आने वाले भविष्य में कितनी और पड़ेगी गर्मी, कितना बढ़ेगा धरती का तापमान, हमारे साथ समझिए इससे जुड़ा विष्णु पुराण का पूरा ज्ञान, जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे चकित। विष्णु पुराण में बताया गया भयंकर गर्मी यानी प्रलय का संकेत, आने वाले दिनों में धरती का और बढ़ेगा तापमान, बंजर होने लगेगी जमीन, बिना पानी के सूखने लगेंगे पेड़ पौधे और फिर छाएगा मृत्यु का महातांडव। इस समय जो भयंकर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, इस प्रकोप की भविष्यवाणी बहुत पहले विष्णु पुराण में की जा चुकी है। इतना ही नहीं, इस विष्णु पुराण में आने वाले भविष्य को लेकर भी बताया गया है कि आने वाले समय में सूर्य देवता धरती पर कितना कहर बरपा सकते हैं। आज हम आपको इन्हीं सब प्रश्नों के एक एक करके क्रमवार तरीके से उत्तर देंगे, ताकि आप जान सके कि भविष्य में पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये जानकारी आपके लिए जानना बेहद जरूरी होने के साथ रोचक भी होने वाली है। दरअसल इस समय देखा जा रहा है कि पूरा उत्तर भारत लू की गर्म हवाओं को झेल रहा है। इस समय शरीर को जला देने वाली गर्मी हर किसी को झुलसा दे रही है। एसी से लेकर कूलर सब इस गर्मी के कारण बेअसर नजर आ रहे हैं। इसी भयंकर गर्मी को लेकर सनातन धर्म के विष्णु पुराण में भविष्यवाणी की गई है। विष्णु पुराण के अनुसार बढ़ती भीषण गर्मी प्रलय से पूर्व बजने वाली घंटी है। इतना ही नहीं, इसके अलावा गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बारे में विष्णु पुराण में कई चौंकाने वाली बातें भी लिखी गई हैं, जो आपको हैरान करने वाली है। जैसा कि इस धरा पर जो भी होने वाला है उसका उल्लेख बहुत पहले पुराण में किया जा चुका है, और वैसा ही कुछ उल्लेख इस भयंकर गर्मी को लेकर भी किया गया है। सनातन धर्म के इस विष्णु पुराण में बरसों पहले कई ऐसी बातें लिखी जा चुकी हैं जो इस समय वास्तव में घटती हो रही हैं। अब आप इस भयंकर गर्मी को ही ले लीजिए, जिसका उल्लेख बहुत पहले ही किया जा चुका है। जैसा कि इस समय संपूर्ण उत्तर भारत भयंकर लू का प्रकोप देख रहा है। इसको लेकर अगर हम मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में अभी सूर्य का गर्म स्वरूप और बढ़ेगा और धरती तप कर लाल लाल हो जाएगी। इस दौरान आशंका जताई जा रही है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सीवियर हीट वेव का दौर देखने को मिलेगा। इस समय जिन हीट वेव की मौसम विभाग संभावना जता रहा है, उनका उल्लेख बहुत पहले ही विष्णु पुराण में किया जा चुका है। इस विष्णु पुराण की माने तो समय देवलोक में अलग तरह से चलता है। धरती पर 12 महीने का एक वर्ष होता है, लेकिन देवलोक में दिन रात 12 महीने के बराबर होते हैं। वहीं 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है, 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है। ऐसे में भूलोक यानी पृथ्वी पर महीनों के अनुसार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन देवलोक में ये परिवर्तन भूलोक की तुलना में सदियों बाद होते हैं, जो किसी विशेष घटना का सूचक कहे जाते हैं। इस विष्णु पुराण के अनुसार जब एक चतुर्युग बीतने पर पृथ्वी पर सब कुछ खत्म होने लगता है, तो 100 वर्षों तक सूखा पड़ने लग जाता है। इसका असर पूरे संसार पर पड़ता है। पृथ्वी की उर्वरक क्षमता खत्म होने लगती है, जिसका परिणाम ये होता है कि फल सब्जी सब कुछ बर्बाद होने लगता है। प्राणी सजीव होकर भी निर्जीव होने लगते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति कम होने लग जाती है। भीषण गर्मी से चारों तरफ सूखा सूखा ही दिखाई देने लगता है और धरती पर पानी की कमी होने लगती है, जिसके कारण त्वचा और धरती दोनों सूखने लगती है और चारों ओर मृत्यु का तांडव छाने लगता है। फिलहाल इस भयंकर गर्मी से धरती को बचाने के लिए केवल एक ही सटीक माध्यम है कि पेड़ जाएं, ताकि धरती का तापमान कम हो सके। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।